Hi friends, good morning, welcome back to a new vlog. So इतने दिन मेरा स्कूल मिस करने के बाद फाइनली हम जो लोग स्कूल जाएंगे और आज हमें लेना है हमारा साइंस का 3D प्रोजेक्ट फिर से, जो पिछले बार लिया था तब लेना ही नहीं था, पता नहीं मैं क्यों ली थी, मैं बेकार का ले ली थी, फिर इस बार लेना है एंड मैं तोड़ फोड़ करके ले आई थी मेरा प्रोजेक्ट, तो उसको मैंने कल ठीक किया फिर से एंड मेरा प्रोजेक्ट अभी गुडेज न्यू है। मैंने प्रिपेयर भी कर लिया है मुझे क्या क्या बोलना है क्या नहीं, लेकिन एक चीज़ बिल्कुल प्रिपेयर नहीं है और वो है मेरा एप्लीकेशन, क्योंकि तब तो मैंने बस एक दिन छुट्टी का लिखा था, अभी तो इतना दिन ले लिया है तो नहीं लिखना है, अभी भूल गई तो अभी खाने के, हाँ अभी मैं खाने के बाद ही लिखूँगी, क्योंकि खाने से पहले नहीं लिखूँगी। और ये मेरा टिफिन मम्मी पैक कर रही है, और भी चीज़ें हैं, ये तो सिर्फ आलू भुजिया है और आज हमारा गेम्स नहीं, कुछ नहीं है, मंडे सिर्फ पढ़ाई 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 है। कोई बात नहीं, इस वीक साल मैं कभी मिस नहीं करूँगी, लेकिन इस बार का तो जो फुल अटेंडेंस ट्रॉफी मेरे हाथ से छीन गया, मैं क्या ही कर सकती हूँ। मेरा तबीयत इतना ख़राब था स्कूल लेके ही मुझे जाना है, मेरा मेडिसिन जो विटामिन कैल्शियम का मेडिसिन मैं ले रही हूँ, वो नहीं खाने से 6 days को पूरा मेरा कोर्स कंप्लीट नहीं करने से मुझे शायद फिर से हो सकता है, टाइफॉइड भी हो सकता है इस बार, ईट दैट होल 6 days, इसलिए मैं ओनली वो टैबलेट लूँगी और सिरप में आने से ही मम्मी मुझे बता दिया करेगी, नहीं तो नहीं हो पाएगा, तबीयत ठीक मतलब हो चुका है लेकिन फिर आ जाए ना तो प्रोटेक्ट करना है खुद को, इसलिए चलो मैं अभी खाती हूँ एंड आई सी यू व्हेन आई राइट माय एप्लीकेशन। क्या बोल रहे हो? और फ्रेंड प्रियांशी आज जा रही है इतने दिनों बाद स्कूल, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। आज उसको प्रोजेक्ट लेके जाना है, उस दिन प्रोजेक्ट ली थी, दिखा देती हूँ, इधर गाड़ी में रखी हूँ, अभी बहन का आवाज़ आया बोल के गए थे, नहीं आया, दूसरा किसी का आया ना, इतने बार की थी। हाँ जब से प्रियांशी स्कूल गई है ना तब से मैं सोच रही हूँ ब्लॉग कंटिन्यू करूँ, लेकिन जैसे कि मैं कल रात को आप लोगों को बोल रही थी कि मेरी तबीयत मतलब मुझे भी खांसी जुकाम सर्दी जैसा लग रहा है एंड बड़ी में रात को टेम्परेचर आ जा रहा है, सुबह छूट जा रहा है, उसके पापा कुछ एंटीबायोटिक और दवाई मेरे लिए लाए थे तो वो मैं खाई हूँ, थोड़ा अच्छा लग रहा है। एंड क्या हुआ ना, आज प्रियांशी स्कूल गई है तो घर पूरा खाली खाली लग रहा है और सुबह 10 बजे के अंदर ही कुकिंग मतलब खाना बनाना का काम ख़त्म हो गया, अभी लाइन नहीं है और बाहर बहुत तेज़ की बारिश हो रही है और इसीलिए मैं वो बड़ा वाला लाइट नहीं जला पा रही हूँ, तो इसलिए मैं छोटा लाइट में, थोड़ा अंधेरा है और मेरा वॉइस भी आप लोग जान सकते हो कैसा लग रहा है, अजीब अजीब लग रहा है। एंड आज ना मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि मेरा किचन को थोड़ा सा क्लीन करूँ, क्या होता है ना खाना बनाते रोज़ की बिजी लाइफ में वो क्लीन नहीं हो पाता है, वो ग्राइंडर कितना गंदा हो गया था मतलब सामान, और ये है कि हम यहाँ रेंट के रूम में रह रहे हैं, रेंट की होम है तो इधर मतलब इंटीरियर कुछ किया नहीं है, मतलब कबोर्डिंग कुछ तो सारा डिब्बा मेरा नीचे ही रह जाता है, और मैं एक बार सोची डिब्बा लोगों को मतलब कार्टून के अंदर रख दूँ, लेकिन कार्टून के अंदर मैं डिब्बा रख देती हूँ ना तो चना दाल ऐसा चीज़ मुझे सडनली उससे निकाल के खाना बनाने में दिक्कत हो जाती है और बहुत सारा चीज़ नष्ट हो जाता है, ख़राब हो जाता है, ऐसा होता है कि वो चीज़ वो डिब्बे में रहता है, मैं दूसरा डिब्बा चेक कर लेती हूँ फिर दूसरे डिब्बे में डाल देती हूँ और वो रह रह के वो पुराना वाला फेंकना पड़ता है, सो इसीलिए मैं ओपन रखना चाहती हूँ, इसलिए ओपन ही रख देती हूँ और 2-3 महीने या 3-4 महीने के बाद जब मुझे टाइम मिले उसको पोछा लगा के साफ़ कर देती हूँ। और जितना भी चाहो आप जितना भी कम करो वो लोग ग्रोसरी का चीज़ रह ही जाता है जितना डिब्बा है, तो चलो मैं आज आप लोगों को किचन दिखाती हूँ कितना क्लीन हुआ है देखना। देखिए मैं दूध गर्म कर दी थी, अभी मैं अभी तक लंच की नहीं हूँ, मेरा लंच इधर है, मतलब मैं हॉटपॉट में चावल रख दी हूँ, भिंडी खट्टा है, दाल है एंड कुंदरू की सब्जी बोलते हैं वो है, और इसमें मैं ये चिया सीड ना एक डिब्बा एक पैकेट लाई थी तो उसको फ्राई करके रखती हूँ, मैंने ऐसे YouTube में या किसी में देखा कि चिया सीड खाने से थोड़ा सा वेट लॉस होता है और आप लोग तो जानते हो मैं कितनी मोटी हो गई हूँ तो इसलिए वेट लॉस करने के लिए ये लाई हूँ,
और इधर का सारा मैंने हटाई, सारा को पोछा लगाए, फिर पेपर चेंज किया, जैसे भी करो ना, बाकी सब कवर कर दिए, पॉलिथीन में रख दिए, और ग्राइंडर को पूरा क्लीन किए, और ग्राइंडर को भी ढक दिए हैं ताकि फिर गंदा ना हो जाए। एक्स्ट्रा जितना कप वप है और बाकी सारा ग्लास सारा वो डिब्बे में भर दी और ये रख दी। और इतना सारा बर्तन था, बर्तन तो आप लोग जानते हो मैं यहाँ ही मतलब साफ करके रख लेती हूँ, इधर मुझे इजी लगता है, इधर मुझे ऐसे साफ कर देके ना, इधर इधर बर्तन ही क्लीन करती हो, इधर इधर क्लीन करो और इधर मुझे रख दो, यही इजी लगता है। और आप लोग तो जानते हो मेरे पास इतना बर्तन है, नीचे देखिए एक्स्ट्रा बर्तन है और इधर तो पूरा फूल ही बर्तन है, इतना सारा बर्तन है। और अभी बच गया है 2, तो मैं चलती हूँ लंच करने, एंड प्रियांशी नहीं है तो घर सोना सोना लग रहा है, और तो मैं खाना खा के चली जाऊँगी, अभी खाना खा लूँगी और थोड़ा सो जाऊँगी। पसीना देखिए लाइन नहीं है, तो इधर का फैन भी नहीं चल रहा है। एंड प्रियांशी इस बार मतलब बहुत दिन घर में रह गए, 5 दिन कम से कम घर में रह गई है, वेडनेसडे से वो पूरा मंडे तक आज गई है। वेडनेसडे से उसका तबीयत खराब हुआ, सैटरडे तक ठीक हुआ, संडे तो छुट्टी रह गया, फ्राइडे भी छुट्टी रह गया रथ के लिए, सो इसलिए इतना दिन वो घर में रह गई। सो मुझे आज बहुत अजीब अजीब लग रहा है, खाली खाली फीलिंग हो रहा है, लेकिन अभी तो 2 बज गया है और क्या, और 3 घंटे बाद वो तो आ जाएगी, फिर उसके बाद तो वो ट्यूशन भी आ जाएगी, कोचिंग जाएगी, सो जब आएगी फिर हम ब्लॉगिंग करेंगे। सो प्रियांशी कैसा लगा स्कूल? फर्स्ट डे मतलब इतने दिनों बाद गई हो ना। हाँ। क्या बोले फ्रेंड्स लोग? कहाँ गई थी इतना दिन तक? वैसे आधे लोगों को पता था, ब्लॉग देख लिया था। अरे मेरा ब्लॉग भी देखते हैं तुम्हारे फ्रेंड्स लोग? इसमें एक चीज आया है, मैं वो बोलूंगी नहीं, जो प्रियांशी को पसंद हो बताना क्या क्या मंगाए थे, और प्रियांशी एक वीडियो बनाएगी अनबॉक्सिंग का, फिर आप देख लेना क्या हो सकता है, कमेंट करो, बस ऐसे पेपर देख गैस करो। एंड आज प्रियांशी घर में नहीं थी, तो मैंने जैसे कितना काम किया, किचन का साफ की, अभी प्रियांशी स्कूल से आई तो मुझे और एक टेंशन दे दी कि कल उसको आर्ट एंड क्राफ्ट का कुछ चाहिए फिर स्कूल में प्रोजेक्ट, फिर खरीद के सारा चीज ये वो ये। हाँ बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि जिन लोगों का एग्जाम हो गया है बोल रहे थे, तो मैं तो उनको बोल रही थी कि प्रियांशी का तो कोई भी नोटिस अभी तक की नोटिफिकेशन स्कूल से दिए नहीं है, लेकिन आज ग्रुप में भी दे दिए एंड उनको सिलेबस भी मिल गया है, तो फाइनल है 18 जुलाई से प्रियांशी का एग्जाम है, 18 जुलाई to 25 जुलाई लग लग के है, लास्ट डे मैथ है, फर्स्ट डे साइंस है, लास्ट है मैथ, और ये 20 मार्क्स वाला होता है फर्स्ट पीरियोडिक, उसके बाद फिर 2 महीना गैप हो जाएगा, उसके बाद हो जाता है क्या, 80 मार्क टर्म वन एग्जाम जिसमें 80 मार्क का आता है, और वो बहुत मतलब बहुत ये रहता है, टफ रहता है। तो प्रियांशी भी सीरियस इन योर स्टडी नाउ, जूस है? हाँ जूस भी है, लेकिन दूध तो पिए नहीं, जूस पीना चाहते हो? और वो दूध कौन पिएगा? बिल्ली, वो बदमाश बिल्ली पिएगी ना, बदमाश बिल्ली पी लेगी और मैं जूस पीऊंगी। ओके रात को क्या बनाओ खाने में, बोल के जाओ, अभी तो आ गई प्रियांशी, फिर अभी मुझे उसको छोड़ने जाना पड़ेगा, मैं तैयार हो रही हूँ, मुझे तो सब्जी भी लाना है, 5:30 भी नहीं हुए, क्यों तैयार हो गई? अरे तुम तो जल्दी फिर तैयार हो जाते हो, 6:30 तक छोड़ना है ना, इसलिए फिर उधर से तैयार ही हूं। और मैं मुझे हाटों भी जाना है, सब्जी लाना है, वीकली वेजिटेबल्स शॉपिंग हमारे लिए, क्या फ्रूट्स लाऊं बताओ जो तुम खाओगे? घर में एप्पल है, एप्पल के अलावा क्या लाऊं जो तुम खाओगे बताओ? बनाना। बनाना लाऊं? ठीक है, पक्का खाओगे? फ्रेंड्स देखो बनाना खाऊंगी बोलिए, अभी उसका मुंह देखो कैसे बन रहा है और इसका एक नीचे का दांत भी हिल रहा है जो ये तोड़ नहीं रही है, और ऐसे नहीं तोड़ेगी तो फिर एक टीहड़ा क्या बोलते हैं बहरा दांत निकल जाए, उसको हिला के मैं बोलूँ एक मुक्का मारो, इससे हिलाओ ताकि डेंटिस्ट के पास जाना ना पड़े, ब्रेव गर्ल वर्ल बन के तोड़ दो, ऐसे करके थोड़ा ऐसे अंदर तक की तरफ डाल दोगे ना तो वो निकल आएगा, नहीं तो एक काम करना रोज उसको ना 10-10 टाइम ऐसे ऐसे हिलाना, तो वो दुर्बल हो जाएगा और एक दिन टूट भी जाएगा खुद बाय खुद। हाँ तुम उसको हरा दोगे, तुम 10 डेज चैलेंज लो वो तीत को झड़ाने का, और चैलेंज शुरू 4 जुलाई। Are you ready?
अगर तुम उसमें सक्सेस हो जाओगे तो मैं तुमको एक गिफ्ट दूंगी। क्या? जो तुम मांगोगे, मतलब जो मेरे हैसियत के हिसाब से हो, जो भी तुम मांगोगे ऑर्डर करेंगे या खरीद दूंगी। ठीक है, अंबानी का घर मांगूंगी तो वो मेरे औकात के बाहर है भाई। ऐसा नहीं जो मैं तुमको परचेस करके दे सकूं, जो मेरे छोटे मोटे बजट के पास आए जाए उसी। बता दो क्या। तो ये चैलेंज एक्सेप्ट करो, टीथ तोड़ने का 10 डेज। आज 4 तारीख हुआ, 14 तक हो जाना चाहिए। तुम्हारा 18 से एग्जाम है ना, 14 तो कंप्लीट। और एक बात है प्रियांशी को, और एक चैलेंज है फ्रेंड्स, इसका एग्जाम होगा 18 से 25, तो उसमें नो वीडियो बना नहीं और नो एडिटिंग। सो उसको 15-16 तारीख से वीडियो बनाना भी कंप्लीट कर देना है, एडिटिंग करके रख देना भी है। उसके बाद 25 के बाद वो फटाफट एडिट कर देगी 2-4 वीडियो, ताकि हम गांव जा पाए। 4 तारीख से हम गांव जाएंगे, उसका दादाजी का श्राद्ध है 6 तारीख। 25 तारीख नहीं, हम 4 को जाएंगे, सितंबर जो अगस्त 4, 6 तारीख को दादाजी का श्राद्ध है ना, भूजी है, फिर 7-8 तारीख को आ जाएंगे। मतलब तब भी तुम्हारा 3 डेज या 4 डेज ट्यूशन बंद होगा, स्कूल भी। 4 तारीख तो स्कूल से आने से जाएंगे, ट्यूशन से आने से भी जा पाएंगे, लेकिन 5-6-7 रात को जाना है ना बस। हाँ, और मेरा एक और चैलेंज है कि मुझे अब से रात को सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा। हाँ, सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा। सो फिर रात को मिलते हैं फ्रेंड्स। प्रियांशी, तुम्हारे लिए और एक चीज आया है, देखना चाहोगे? अभी तुम बिजी हो ट्यूशन जाने के लिए। फ्रेंड्स देखिए, ये इतना बड़ा पेटी में कुछ आया है, जब प्रियांशी ट्यूशन से आएगी हम इसको अनबॉक्स करेंगे। तुमको मैं बोली थी ना, कुछ मतलब रिंग लाइट वगैरह, वो बहुत बड़ा लाइट है। और अब सबको पता भी चल चुका है कि हमें बेसिकली क्यों मंगाया है। चोटी बनाई और चोटी गंदा कर दी मेरी बेटी ने। सोके फिर एक बार बना दो क्या? मैं तो आ गई हूँ प्रियांशी को छोड़ के, कप का आके फिर चाय बना के पी ली। और ये सारा सब्जी मैं लाई हूँ, इसको फिर अलग अलग करके मुझे रखना पड़ेगा। एंड इसमें आलू प्याज बाकी सब है। एंड मैं 2 चीज़ प्रियांशी के लिए स्पेशल लाई हूँ, पता नहीं मुझे वो मार्केट में मिल गया और पता नहीं उसको कैसा लगेगा। मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, मतलब वो जो रील फील्स बनाती है ना, मतलब भूतिया खुफिया जैसा बनाएगी, तो ये ऐसे लाइट चल रहा है। और उसका फेवरेट हमेशा डोरेमान रहा है, तो डोरेमान एक ले आया हूँ, ये भी लाइट जल रहा है ऐसे करने से। वो आएगी तो मैं दिखा दूंगी आप लोगों को। और ये तो हमारा रिंग लाइट आया है, वो जब आएगी हम अनबॉक्स करेंगे। मैं सोच रही हूँ रात को क्या बनाऊँ खाने में, सोच रही हूँ मिक्स संतुला टाइप का कुछ बना दूंगी, क्योंकि उसके पापा को भी मसाला वसाला पसंद नहीं है, मुझे भी पसंद नहीं है, तो सारा सब्जी मिला पिला के एक संतुला टाइप का बनाते हैं। मैं कोचिंग से आ गई हूँ एंड आज मेरा कोचिंग का होमवर्क था, मुझे पता नहीं था तो भूल गई थी होमवर्क के बारे में, तो थोड़ा सा डांट खाई हूँ, बट कोई बात नहीं, चलता है, थोड़ा डांट तो सारे खाते हैं ना, और मैं भी थोड़ा खाई आज, तो कोई बात नहीं। और जो रिंग लाइट है बड़ा वाला, उसको हम लोग ना कल अनबॉक्स करेंगे। तो सुबह अभी रात हो गई है, मम्मी और मुझे प्रोजेक्ट भी बनाना है। मम्मी तो अभी बिजी है, वो बना रही है प्रोजेक्ट, और मैं इधर आ गई हूँ व्लॉग एंड करने के। तो चलो नाम ले लेते हैं जिन जिन लोगों का बर्थडे पहले, और बाकी नाम लेंगे जो हमारा होता है। सो हैप्पी बर्थडे टू रश्मि, हैप्पी बर्थडे टू प्राची, हैप्पी बर्थडे टू मनीषा, एंड हैप्पी बर्थडे टू कंचन, हैप्पी बर्थडे टू सोनाली, हैप्पी बर्थडे टू सोनंदी, सॉरी मैं आपका नाम सोनाली फर्दीप, आई एम सो सॉरी, उसके ऊपर सोनाली लिखा था तो इसीलिए सोच ली। तो इन लोगों का हैप्पी बर्थडे, आई डू होप आप अपना दिन को अच्छे तरीके से इंजॉय करो, आपका दिन अच्छा रहे। यह है हमारी तरफ से आपके लिए गिफ्ट। एंड बाकी आज का शाउट आउट गोज टू कायरा, लगन, अश्विनी परास्ते, छवि एंड माही, आशा अग्रवाल। सो इतना है आज के नेम्स। आज का व्लॉग को एंड कर लेते हैं, नीमो भी सो गई है, मैं भी अभी जा रही हूँ प्रोजेक्ट में हेल्प करने मम्मी का।
So hope you enjoyed watching this vlog till the end, and if you did, then don't forget to like, share and subscribe. Bye, we'll see you in the next vlog.